हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं आ गई कल ब्लॉग के साथ खिला मानी से। अभी बजे सुबह की 6 समय आ रखे हूँ किचन में। आज से बच्चों का स्कूल खुल गया और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। बच्चे भी उठ गए, क्या करते हैं, ब्रश ब्रश चलो ब्रश करो, ब्रश कर लिया। सर दोस्तों बच्चे होंगे स्कूल के लिए रेडी, कैसे लगा तुम्हें स्कूल जाके? सर दोस्तों बच्चे हो गए रेडी स्कूल जाने के लिए, मैंने नाश्ता वगैरह सब कर लिया, अब हो गई तैयार, जाएंगे ये स्कूल। कैसा लगा तुम्हें स्कूल जाने में आज? एक महीने बाद मुझे बहुत ही अंदर इसको मैं ये कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ एक महीने की छुट्टी और हो जाए। दोनों कहते हैं पता नहीं चला कि एक महीने कब पूरा हुआ, इनका मन करता कि छुट्टी छुट्टी हो, आराम से उठे ना वो छुट्टियों में। आप उठे आज 5 बजे खड़े, तब जाके इनको बाकी मम्मी छुट्टी, एक महीने और छुट्टी होगी तो ये मेरा सुस्ती बच्चा है, इसको चाहिए फोन। ये देख रहे हैं आप अपने पापा का फोन पे आ गए हैं यहाँ पे। देखो उस साल इंद्रा जो तक ले जाएगा इसको ना, इतना झटका लगा बुखार का, इसलिए सारे चीज़ ढीले मिले हो गए, इसके जूते भी ढीले होंगे। वह क्या करना इस मरीज का। तो दोस्तों बच्चे भी चला गए स्कूल, अब मेरा फैल रखा है अभी बहुत ही ज़्यादा काम, किचन में भी बस रखा बहुत सारा काम, सफाई वगैरह सबको निपटा के मिलते हैं बाद में। हेलो दोस्तों, सो मेरा काम निपट गया घर का, झाड़ू पोछा कपड़ा वगैरह। और आज ना बच्चों के बिन बगैर ना बहुत ही गंदा लग रहा घर में, क्योंकि एक महीने बारिश को खुला तो एक महीने तक उनकी याद थी आज, और घर में सुनसान लग रहा है। वैसे परेशान भी करते थे फिर भी पर खा लग रहा है। तो दोस्तों मैं बनाती हूँ मैं खाना, फिर उनको लेने का टाइम भी हो जाएगा। देखती हूँ मैं जाती हूँ या उसके उनके पापा लाएंगे, जब खाना खाने आएंगे टाइम लगेगा तो वही लाएंगे, तो मैं जाऊँगी लेने के लिए। ऐसे धूप भी हो रही है बहुत ही ज़्यादा तेज की। बनाती हूँ मैं खाना, आज बना रही हूँ मैं गाय का फाड़ा। दाल खा खा के बोर हो जाते हैं, रोज। मिलते हैं आपको बाद में। दोस्तों यहाँ का मौसम घर का बहुत ही ज़्यादा धूप, बहुत ही तेज धूप से सारे पूरे आँखें बंद हो जा रही है, धूप हो रही है। फाना पक उबल रहा है यहाँ पे, किस किस को है गैस का फाना पसंद? मुझे तो बहुत ही पसंद, अच्छा लगता है, और दाल का लगता है अच्छी, फिर कभी कभार बनाना पड़ता है गैस का फाना। जी जिसको पसंद है गहर का फाड़ा वो कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी इसको उबालना है बहुत देर तक, जब तक इसका झाग पूरा नहीं हुआ है तब तक इसको उबालते रहना, उबालते रहना, तब इसका टेस्ट और ही ज़्यादा आता है। तो बच्चे आ गए स्कूल से और हमने खाना वगैरह सब खा लिया, और ये इसको आई वो स्कूल में बहुत ज़्यादा नींद, ये बुखार की वजह से सुस्ताया हुआ है, वैसे भी सुस्ती है। सुस्ता? तो उसको किनारे दे, अब जा चल अंदर भाले जा उसको। नहीं मैं ले जा रहा हूँ मेरे सास। कैसा क्या क्या किया तुमने स्कूल में आज? स्कूल में पढ़ाई की। और मेरे याद आई, वैसे तो घर में कहना नहीं मानता है। कहने से क्या उसका मतलब? तो याद आई कि हम मैं एक महीने तक मम्मी के साथ कैसे रहे घर में, है मस्ती, मम्मी को परेशान कैसे किया घर में। तो कभी आई याद मेरी कैसे कैसे आए कि हमने एक महीने तक वो मम्मी को खूब परेशान किया है। अच्छा इनको याद आए बोलो मैं मेरी कि इन्होंने एक महीने तक घर में रहे ना वो, तब इनको याद आए, बस परेशान भी किया याद।
देखो अभी सोर का अक्कू, ओ न 6 बज गए, खड़ा उठो, चल पढ़ाई नहीं करना है, लिखाई नहीं करना है, सो जाओ, खड़े हो रहो है। ओ अनु 6 बज गए बच्चा, और ये देखो एक वहां से उठ गए, यहाँ पे लेट गए आप। नहीं ना फिर इवनिंग व्यू तो दोस्तों हम उठ के आ गए हैं बाहर, क्योंकि अंदर हो रही बहुत ही ज़्यादा गर्मी। अब बाहर में थोड़ा थोड़ा हवा चल रही है, अंदर में सारी गर्मी हो रही ना। इन्होंने देखा इसका मुंह, देखा इसका मुंह, यहाँ पे एक यहाँ बैठ रखे आई ना काम नहीं करने, गर्मी में अंदर रहने का मन नहीं कर रहा। तो है आना वाला क्या फोन करी? अच्छा अच्छा दो पुत्र पुत्र पाले बैठ रखे मेरे यहाँ पे, पुत्र पाला, ये खेलते नहीं, ये बैठते हैं सीधा। हुईगर मेले अच्छा, ये दो डब्बों क्या थे उनको छोटा था ना गाइस, देखिए ऊपर आरखाई ग्रुप बन रहा है, चांद एकदम मस्त दिया क्या ये गाइस, मस्त रहे हेलो ओके ब्रो जब क्यों नहीं थे।